लुधियाना इतना सांगीतिक, इतना मेलोडियस जगह है, इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत नाम है लुधियाना का, पर लुधियाना का एक म्यूज़िकल बैकग्राउंड भी है। और यहाँ से सटा हुआ भैनी साहब, जहाँ पे सदगुरु जी ने संगीत को बोया हुआ है, पिरोया हुआ है। वैसे हम लोग मंच पे जब चढ़ते हैं तो ये उसके बाद उतर के मूल्यांकन करते हैं कि कहाँ क्या क्या छूट गया। शास्त्रीय संगीत को अगर आप अंतरात्मा से कर रहे हैं तो आप पूजा ही कर रहे हैं। हम अपने संगीत को कोई प्रोफेशन, कोई ऐसा नहीं समझते कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम पूजा की तरह दृष्टि से उसको देखते हैं, हमारी आराधना है। केत की गुलाब जूही, केत की गुलाब जूही, चंपक बन फूले, केत की गुलाब जूही, चंपक बन फूले, रुत बसंत अपनो कंत, गोरी गरबा लगाए, झूलना में बैठ राज पी के संग झूल, केत की गुलाब जूही, चंपक बन फूले। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त हरदीप दुआ, तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। सो दोस्तों, जिहड़े भी पर्सन म्यूजिक नूं सुनदे, खास तौर ते क्लासिकल म्यूजिक नूं सुनदे ने, कहिंदा कि उहनां दे जिहड़े कह सकदे हो कि बहुत ही वड्डे लैवल दे गुरु, जो कि नैशनल नहीं बल्कि इंटरनैशनल लैवल ते परफॉर्म करदे ने, अपना ही नहीं बल्कि देश दा नाम भी बहुत रोशन करदे ने, साडे नाल गल मौजूद हैगे ने पंडित हरीश तिवारी जी, और इहनां दे नाल ही हैगे ने तबला वादक अभिषेक मिश्रा जी। सो दोनों दा बहुत बहुत स्वागत है जी लुधियाना लाइव ते। पहली बार आया हूँ, वैसे आते जाते रास्ते में पड़ता है, जैसे अमृतसर जाते हैं प्रोग्राम में, जैसे स्पीक मेकिंग के प्रोग्राम में इधर एक बार सर्किट लगा था इधर फिरोजपुर का, और फजलका वगैरह गए थे, तो ये रास्ते में पड़ा था, लेकिन स्टे इस बार हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ सभी बड़ी बच्चे भी बड़े, आज मैं वर्कशॉप लिया हूँ तो बच्चे बड़े उससे जो है आत्मीयता से जुड़े हैं। और पंडित जी, अगर बात करें आपके थोड़ी सी प्रोफाइल के बारे में, तो कहाँ पैदा हुए, अपने कहाँ शिक्षा ग्रहण की, और किस परिवार में कौन कौन है आपके? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में देवरिया का रहने वाला हूँ मैं। वहाँ मेरे घर में तो ऐसे हम गांव के रहने वाले हैं, हमारे घर में मेरे से ही शुरू होता है संगीत। वैसे दादाजी हमारे स्वांत सुखाए के लिए भजन गाते थे जी। तो उसके बाद चाचा जी ने मेरे प्रोत्साहित किया, मैं स्कूल में जब पढ़ रहा था जी। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उस समय, तो उस समय चाचा जी ने एक मौके पर बोला कि तुम गाओगे। उनको भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं कभी घर में गाया नहीं उसके पहले जी। तो सभी लोग वहाँ बहुत खुश हुए। कुछ गाया फिर आपने उस समय? उसमें कोई कविता गाया था मैंने उस समय, तो उसमें फिल्मी गाने वगैरह भी गाते थे सुन के, वैसे कोई साज के साथ नहीं, बिना साज के ही। तो उस पल आपने क्या गाया था उसमें? हम लोग जैसे अक्सर जैसे रफ़ी साहब के गाने या वो सब गाते थे, लेकिन वहाँ पे कोई तुलसीदास जी का कोई कविता गाया था मैंने जी। वो थोड़ा भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो उसको गाया। फिर उसके बाद से मेरा सबका मन हुआ कि इनको संगीत में इसको डाला जाए, तो चाचा जी हमारे जो है वही इंटर कॉलेज में शिक्षक थे उस समय जी। तो उन्होंने म्यूजिक सोचा, ढूंढने लगे कहाँ पे म्यूजिक है जी। अब जूनियर हाई स्कूल के बाद हाई स्कूल में, तो कुशीनगर एक जगह है वहाँ देवरिया में जहाँ भगवान बुद्ध का की समाधि है जी। तो वहाँ बुद्ध इंटर कॉलेज में मैं हाई स्कूल किया वहाँ से गायन से जी। फिर उसके बाद वहाँ इंटर में म्यूजिक नहीं था 12वीं में, तो फिर बरहज बाज़ार, वो हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, तो वहाँ बरहज बाज़ार में मेरे गुरु जी थे, प्रारंभिक गुरु जो हमारे बने, वहाँ से हमने 12वीं किया और पंडित ठाकुर जोबे जी के सानिध्य में संगीत की शुरुआत की। मैं वापस आता हूँ आपके वजह से। सो दोस्तों, गल करते हैं अभिषेक जी ने, मैं दसदा कि अभिषेक जी जेने तबला वादक बल्कि देश वास्ते नहीं बल्कि विदेश से भी जाके बजाते, और शायद ही विदेश की धरती से कोई यही जगह होगी जिथे जाके इन्होंने तबला ना बजाया होगा। तो दसदा कि अपनी इस तबला की लाइन तकरीबन 8वीं पीढ़ी है अपने खानदान में, जो लगातार तबला वादक है कि ने। सो आओ फिर गल करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि कैसा आपको लगा कि आज लुधियाना में आप आए हैं?
ऐसा लुधियाना इतना सांगीतिक, इतना मेलोडियस जगह है, इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत नाम है लुधियाना का, पर लुधियाना का एक म्यूज़िकल बैकग्राउंड भी है और यहाँ से सटा हुआ भैनी साहब, जहाँ पे सदगुरु जी ने संगीत को बोया हुआ है, पिरोया हुआ है, इसलिए भैनी साहब से लेके लुधियाना की जगह जगह चप्पे चप्पे में अब संगीत और सुर बोलता है। लय सुर का शहर है और बहुत ही अच्छा डेवलप्ड शहर, और हमेशा से लुधियाना आना बहुत ही पसंद का हमारे एक विषय रहा है, चाहे यहाँ का मौसम हो, चाहे यहाँ माहौल हो, चाहे लोग ही बड़े यहाँ दिलचस्प हैं, चाहे यहाँ गाने बजाने का एक संस्कृति का जो माहौल है, तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग टू लुधियाना। सबसे पहले अपने थोड़े से प्रोफाइल के बारे में बताइए कि कहाँ आपका जन्म हुआ, परिवार में कौन कौन है, क्या है, और वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपके खून में ही जो है ये तबला का आर्ट है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करते हैं हम खुद को कि बनारस जो पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, वहाँ पे जन्म लेने का सुअवसर मिला। और फिर उसके बाद दूसरा सौभाग्य हुआ कि मैं एक ऐसी फैमिली में हुआ जहाँ पे पीढ़ियों से संगीत ही होता आ रहा था, मतलब संगीत के अलावा हमने कुछ दिखा ही नहीं, और शास्त्रीय संगीत जो कि हमारे संस्कृति का मूल एक धरोहर है, तो हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, उनके भी ऊपर पूर्वज लोग सब लोग संगीत करते थे। तो मैं बचपने में हमें खिलौने की जगह हमें साज मिल गया, जब आँख खुला तो होश में आए तो हर तरफ देख रहे हैं, कहीं सुर हो रहा है, कहीं ताल हो रहा है, कहीं लय हो रहा है, तो संगीत शुरू हो गई। मेरी अवस्था अगर मैं ठीक से याद करूं तो मेरी प्रॉपर शिक्षा शुरू हुई थी ढाई तीन साल की उम्र से, और मैं जब 4 साल का था तब बनारस में हमारा पहला कार्यक्रम हुआ, लगभग 1000 लोग उस, तो उसमें पैसे भी मिले, मज़ा भी आया, लोग तालियां भी बजा रहे थे हमारे लिए, तारीफ भी कर रहे थे, तो उसी समय एहसास हुआ ये तो बड़ा कारगर चीज़ है, ये तो बड़ी हेल्दी चीज़ है, इसको तो किया जा सकता है। फिर और प्रॉपर सीरियस ट्रेनिंग शुरू हो गई, हमारे दादाजी पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी, पंडित रंगनाथ मिश्रा जी, फिर पिताजी पंडित बीरेंद्र नाथ मिश्रा जी, इन लोगों ने फिर परिवार में ऐसा होता है कि गुरु तो होते ही हैं पर आप माहौल से भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं अपने घर में, कभी आपके चाचा जी आपको कुछ बताते चले गए, कभी आपके पिताजी आपको बैठा के कुछ सिखा रहे हैं, दादाजी गुरु लोग तो ये लोग सिखा ही रहे हैं, आपके घर की लेडीज़ भी आपको बहुत कुछ हेल्प कर देती हैं क्योंकि उन्होंने भी संगीत को जिया हुआ है, किया हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैं संगीत में ही आ गया प्रोफेशनली भी। तो फिर मैं जब 13-14 साल का हुआ तो तब से मैं अकेले ट्रैवल करना शुरू हो गया और प्रोग्रामों में जाना आना, तो तब से संगीत जीवन का एक हिस्सा, क्या बोले, संगीत ही जीवन हो गया, संगीत से जुड़ी चीज़ें ही जीवन हो गई फिर, तो इसलिए संगीत में आने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ। अच्छा पंडित जी, बात करें कि आपने कैसे पैशन को प्रोफेशन में बदला, किस प्रकार गायकी जो है कि हाँ भाई कि मेरे को इसी लाइन में जाना है या बदलनी है, या घर परिवार ने आपको हमेशा सपोर्ट किया कि कभी माली हालत की वजह से सपोर्ट किया कि नहीं आपको किसी दूसरी लाइन में भी जाना है या सिर्फ यही करना था आपने सोचा ही? जैसा कि अक्सर होता है गाँव में कि सब लोग चाहते हैं कि लड़का इंजीनियर हो, डॉक्टर बने, तो सब घर में ये था, लेकिन चाचा जी को किसी ने बोला कि इसको म्यूजिक कराइए, तो उनके मन में आया, उस समय भी ऐसा कुछ नहीं था मन में कि प्रोफेशनल करना, क्योंकि उधर माहौल कोई नहीं है, हमारी जगह जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ कोई माहौल नहीं था। हाँ, बहुत पहले की बात है ये, सन 1980 के पहले की बात है। तो उसके बाद मैं यहाँ हाई स्कूल इंटर करने के बाद बनारस गया, BHU में मैं एडमिशन लिया वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे गुरु थे पंडित अजीत भट्टाचार्य जी और आचार्य नंदन जी, उनसे मैंने गाना सीखा और वो लोग प्रोफेशनल तालीम सिखाते, उनका सुन के ऐसा हुआ कि इसको किया जा सकता है। और वहाँ जैसे वहाँ माहौल है बनारस में देखा कि शास्त्रीय संगीत रेडियो में सुनते थे हम लोग, तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, सामने सुन रहे हैं संकट मोचन में पंडित जसराज जी को, पंडित राजेंद्र साजन मिश्रा जी को सुन रहे हैं, तो ऐसा सुन के लगा कि भाई ये तो इसको अच्छा किया जा सकता, मैंने इसमें बड़ा आकर्षण है, बड़ा गाने में आकर्षण था उस, तो इसलिए हम भी वो स्टाइल गाते थे उस समय। पंडित जसराज जी का गाना पहली बार सुना था, राजस्थान जी का, तो कोशिश करते थे हम लोग उस स्टाइल में कुछ दिन गाए। तो फिर बाद में मैंने गाना सुन लिया पंडित भीमसेन जोशी का, मेरे गुरु पंडित अजीत भट्टाचार्य जी ने बोला कि उनका गाना थोड़ा सुनो, तो उनका पहली बार सुना था, एक तो गुरु ने बोला है, एक तो मन में आया कुछ उसके प्रति आकर्षण उस गाने के, और वो सुना तो ऐसे होता कि ये बड़ी ऐसा सुनो तो एक वैसे भी मन में होता है, तो उस गाने से लगाव हो गया। याद आपको वो कौन सा?
तो वो मियां मल्हार की रिकॉर्डिंग रेडियो में, जैसे अभी उस बीच में गुरु जी का प्रोग्राम नहीं हुआ क्योंकि बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनका पैसे जल्दी कम पैसे में प्रोग्राम नहीं करते थे वो, तो इस वजह से नहीं होते थे उनके प्रोग्राम, मैंने उसमें एकाध हुए तो उसमें बहुत ज़्यादा टिकट लगा था उसमें, तो सुनने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग सुना मियां मल्हार जो है, ये वर्षा ऋतु का राग है, वर्षा ऋतु में गाते हैं इस राग को, और उसमें वो विलंबित की रचना जो पारंपरिक करीम नाम तेरो, उसमें उन्होंने वो बंदिश अध झूम अध झूम आई बदरिया उमड़ घुमड़ गरज गरज बरसन गुलाब, तो वो गाना हमें बहुत वो खींच एक तरह से आकर्षित किया, और मेरे गले का वॉइस कल्चर भी थोड़ा उसे टैली करता था, तो कई लोग बोले कि आप वो आप कर सकते हैं उसको, लेकिन वो गाना बड़ा मुश्किल है, दमदार जैसे दमदारी उस गाने में बहुत ज़्यादा है, दमदारी के साथ और क्या बोलते हैं उसको स्वीट मीठा बनाना बड़ा मुश्किल काम है, तो कोई अच्छी चीज़ करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं वहाँ से फिर सब कुछ छोड़ के, मैं एमए कर रहा था, एमए मैंने छोड़ दिया, उस समय छोड़ के सब लोग बोले कहाँ छोड़ के, नहीं वो तक पढ़ाई छोड़ के चला गया, 5 साल मैं पूना रहा गुरु जी के यहाँ, तो उसमें बहुत कई लोगों से चिट्ठी लिखवा के पहले उनके पास गए, तो गुरु जी ने टेस्ट लिया, कई दिन बुलाया कि पहले तो फरवरी में गया था मैं, तो मई के बोला मई में आना, अभी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, बहुत बिजी आर्टिस्ट थे वो, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का नाम सुना होगा आपने, तो उन्होंने बोला मई में आना, तो मैं गया, तो बोला कि आवाज़ सुनूंगा तो बताऊंगा, तो 2-3 दिन बोला कल आना परसों आना, मैंने सोचा कि जान छोड़ना नहीं है, कई लोग गुरु परीक्षा भी लेते हैं ना, फिर गए गुरु जी के सब सागर थे वहाँ, मैं मालकों से थोड़ा सा गाया, तो उन्होंने पूछा शौकिया गाना सीख रहे हो या धंधा करना है इसका, तो मेरे भी उससे जो आवाज़ निकली कि भाई इसको धंधा करना है इसका, तो उन्होंने बोला कि लाखों में एक बनना पड़ेगा, किसी को करने के लिए तो ऐसा नहीं कि ऐसे करने से नहीं होगा, इसमें अगर कूद रहे हो तो इसको कठिन परिश्रम करना होगा, लाखों में एक बनेंगे आर्टिस्ट रहेंगे तभी ना आपको कोई पूछेगा, तो उसके लिए लाखों में एक बनने के लिए तो बहुत रात दिन एक करना होगा, उसके लिए वही सपना हो जाता है जो भी, तो उस तरह से ये सब उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से फिर इसमें हम आए, फिर उसके बाद फिर दिल्ली आए वहाँ से नौकरी करने के लिए महर्षि महेश जोगी की संस्था में, फिर दिल्ली से मैंने रेडियो पास किया, पहले बी ग्रेड फिर बी हाई फिर ए ग्रेड फिर टॉप ग्रेड, मैं टॉप क्लास में हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी में भी कुछ दिन सर्विस किया, और जो है उसके बाद मैंने सोचा कि परफॉर्मिंग लाइन में आना चाहिए, और थोड़ा जैसे कि शिक्षण संस्थानों में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स बहुत है, संगीत नहीं है पॉलिटिक्स ज़्यादा है, इसलिए हमको थोड़ा उसको उससे मेरा थोड़ा लगाव भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया वहाँ से, तो मैं अपना स्वतंत्र इसको करता हूँ, और अभी पूरे हिंदुस्तान में लगभग जो बुलाते हैं गाने के लिए तो वहाँ गुरु के आशीर्वाद से हमें प्रोग्राम मिलते हैं, चलता है। अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे कि लगातार आपने भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की है, अभी अब तक अगर हिंदुस्तान की बात करें शायद ही आपने शायद ही कोई कह लो कि स्टेट हो गया या सिटी हो गया ना किया हो, तो कौन कौन से यादगार पल और अपने कहाँ कहाँ सबसे अच्छा आपको लगा जाकर? ऐसे तो ईमानदारी से बताएं तो हर कार्यक्रम को हम लोग उसी सम्मान और उसी ड्यूटी के साथ देखते हैं कि इसमें अच्छा करना है, क्योंकि फ्रीलांस आर्टिस्ट का क्या है कि हर एक कार्यक्रम से आपको दूसरा मिलता है, और इसलिए हर कार्यक्रम को अच्छा करना ज़रूरी है। फिर भी कोई कोई ऐसे लम्हे होते हैं जो आपके लिए बड़े ही यादगार हो जाते हैं। वैसे ही मुझे याद है कि एक बार मैं बनारस से दिल्ली शिफ्ट हो गया था 10-12 साल पहले, तो एक बार कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली का बड़ा फेमस है, उसमें पंडित राजन साजन मिश्रा जी और पंडित बिरजू महाराज जी का ट्रायो था, और उस कार्यक्रम में अब वो तीनों लेजेंड हैं और देश की शान है, विश्व की शान है, तो मेरा बड़ा सौभाग्य था कि उन लोगों ने मुझे अपने साथ उस कार्यक्रम में बजाने का ये सौभाग्य दिया, ये मौका दिया कि मैं उन लोगों के साथ बजाऊं, और मैं जब स्टेज पे बैठा और भरी ऑडियंस एकदम लोग टूटे पड़े हैं ऐसे लोगों को देखने के लिए,
तो मैं कहीं देख रहा हूँ तो पंडित बिरजू महाराज जी, कहीं पंडित राजन साजन मिश्रा जी, तो कहीं ऑडियंस में ऐसे ऐसे गुणी विद्वान लोग। वो एक बड़ा यादगार लम्हा था। और एक बार पंडित बिरजू महाराज जी के 80वें जन्मदिन पे मैंने कमानी में ही सोलो बजाया था, तबला सोलो, और महाराज जी का बड़ा विशेष एक भावुक होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो भी बड़ा मेमोरेबल था। और ऐसे ही पंडित विश्वमोहन भट्ट जी के साथ, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी, और एक से एक आर्टिस्टों के साथ मुझे जो एक कोई कोई ऐसे कॉन्सर्ट हो गए हैं कि जिसको लगा है कि आज कुछ विशेष था। गिरजा देवी जी के साथ एक बार मैं जयपुर में बजा रहा था, और उस दिन उस कार्यक्रम में ऐसा हो रहा था कि बजाए जा रहे हैं और भावुक हो रहे हैं, संगीत का वो दर्जा देखने को मिला। तो ये सारे मोमेंट्स होते हैं, और फिर बाहर जो जैसे ट्रेवल करते रहते हैं उसमें कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते रहते हैं जो हमें चाहता कि दशमी में बताइए कि विदेशी धरती पे आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं। विदेशी धरतियों में तो अब जापान, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर या दुबई, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ओस्लो, पेरिस, और काफ़ी जगहों पे, और नॉर्वे ओपेरा में मेरा प्रोग्राम था, वो मुझे बहुत यादगार है। और वैसे ही स्विट्ज़रलैंड में स्टर्न स्टूडियो बहुत फेमस है, वहाँ का आइकॉनिक, उसके 50th गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में हमारा कार्यक्रम था, वो भी बड़ा यादगार लम्हों में से है। और विदेशी धरती पे जब आपको उस कद्र एक लोगों का स्नेह और प्रोत्साहन और आशीर्वाद और अप्रिसिएशन मिले, तो हमेशा याद रहता है कि वो फॉरेनर्स हैं। संगीत हमारी उनके अंदर शुरू से नहीं रही है, पर हमारी संगीत को अपना के वो अगर इतना तवज्जो, इतना प्यार दे रहे हैं, तो ये बड़ी प्रभु की और गुरु की कृपा है। इसमें हमारा अपना कुछ भी मैं महसूस नहीं करता हूँ, हर चीज़ मेरी वो गुरु को समर्पित है, हमारे बुज़ुर्गों को समर्पित है, जिनसे सीख के सुन के हमने ये जो भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश है, और आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर बात करें, जब आप इतना सारा कुछ करते हैं, इतना सारी प्रैक्टिस करते हैं, इतना सब सब कुछ करते हैं, हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो समय समय पे एक अचीवमेंट्स की लाइन लगनी शुरू हो जाती है आपके पास, और लोग आपको सम्मान देते हैं, ऑनर करते हैं, तो अभी तक कौन कौन से सम्मान जो आप हासिल कर चुके हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, मैं थोड़े से एक कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं या ट्रेडिशनल स्वभाव का इंसान हूँ। मेरे लिए सम्मान जो है उनको गिनाने से ज़्यादा, उनको मैं नहीं क्यों ज़्यादा काउंट करता, कि मेरे लिए कोई बुद्धिजीवी या कोई संगीत की विभूति अगर मेरे सर पे हाथ रख दे हमारे कार्यक्रम के या हमारे प्रदर्शन के बाद, और वो उसके रूह से आशीर्वाद निकल जाए, उससे बड़ा कोई सम्मान हो ही नहीं सकता एक संगीत साधक के लिए। तो इसीलिए जो मुझे इन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वो ही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। और मैं इन लोगों की सेवा जो कर सका, मैं अपने माता पिता के चरण की जो सेवा कर सकूं, यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में तो मैं, जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक मेरे जनरेशन तक सभी लोग म्यूज़िक कर रहे हैं, मेरे पिताजी, दादाजी, हमारे भाई लोग, और हमारे परदादाजी और उससे भी पहले लोग, और हमारे पिताजी BHU परफॉर्मिंग आर्ट्स में डीन रहे हुए हैं, सितार के बहुत ही विख्यात कलाकार पंडित बीरेंद्रनाथ मिश्रा जी, हमारे दादाजी पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी, पंडित रंगनाथ मिश्रा जी, ये लोग भी बहुत बड़े बड़े अपने समय के संगीतज्ञ रहे हैं, तो हम भी उसी माहौल में कर रहे हैं संगीत। सर, आप अगर आप अचीवमेंट्स की बात करें, तो अभी तक आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया, और कौन कौन सी जो है शामें हैं जो आपको हमेशा यादगार पल याद रहते हैं, जैसे कि अभिषेक जी ने बताया कि उनके कुछ पल यादगार थे? जैसे वैसे तो अनेक हैं, वैसे हम लोग मंच पे जब चढ़ते हैं तो ये उसके बाद उतर के मूल्यांकन करते हैं कि कहाँ क्या क्या छूट गया। उसमें जो है उतरने के बाद ये होता कि घर से जो सोच के जाते हैं उसका 40% भी हो जाए तो बहुत है, तो यही सोचते हैं। वैसे तो यादगार के लिए जैसे हमको महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कर्नाटका में जो लोग, बंगाल में और मध्य प्रदेश में जो प्रोग्राम होते हैं, बनारस में खास करके संकट मोचन संगीत समारोह जो होता है, उसमें जो लोग बड़े प्यार देते हैं जो, और जहाँ तक सम्मान का है तो उसमें हमको सुरमणि सम्मान मिला है, और जूनियर फेलोशिप सम्मान, सीनियर फेलोशिप सम्मान में मुझे मिला है, रेडियो से टॉप क्लास आर्टिस्ट हूँ, और इम्पैनल हूँ मैं ICCR से भी, और स्पीक मेके से जुड़ा हूँ और सेवा कर रहा हूँ संगीत की, और जो है
जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले मुंबई में हृदय साठ एक है, उसमें दो बार प्रोग्राम, दो महीने के अंदर में ही बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो टिकटेज प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे, तो उसमें देखा लोग भरे हुए हैं शास्त्रीय संगीत। जैसे दो महीने पहले गया था मैं गाने के लिए, तो लोग फरमाइश कर रहे थे, हमारे बाद भट्ट जी का था, विश्वमोहन भट्ट जी का, लोग फरमाइश कर रहे हैं। पहले तो मैं एक राग गाया और उसके बाद पूछा तो क्या गाएं, अभंग गाएं मराठी या ठुमरी गाएं, तो पीछे से लोग बोल रहे हैं दोनों और टाइम कम है। तो हमारे घराने के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है, विदुषी प्रभात्रे जी, वो सामने बैठी, उन्होंने बोला अभंग, तो मैं अभंग गाया मराठी। उसके बाद से मैंने बंद किया, लेकिन अनाउंसर जो है लोगों का डिमांड सोच के उन्होंने बोला पंडित जी 5-6 मिनट में अगर ठुमरी गा सकते तो गा दीजिए। वो भी घबरा रहा था, 5-6 मिनट में ठुमरी क्या होगी, तो हमने थोड़ा ठुमरी गाया। वैसे वो उसके जो ऑर्गेनाइजर हैं जो अरविंद अविनाश जी, उन्होंने आके बोला कि आप लोग चिंता मत करिए, अभी मैं पंडित जी को 2 महीने के बाद फिर से बुला रहा हूँ बड़े प्रोग्राम में, अभी से अभी 2-3 दिन में डेट इनको बता दूंगा मैं। तो ये प्यार मिलता है वहाँ पे, और वहाँ लोग इसलिए अच्छा लगता है कि वहाँ हर सांस सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं एकदम, ऐसे रहेंगे, एक हरकत उधर नहीं जाने दी, इधर उधर नहीं देखते, वो वहाँ अच्छा लगता है कि ऐसे लोग लग के सुन रहे हैं। तो हम लोगों के लिए अवार्ड यही है कि हम जो साधना किए हैं उसको अगला उस पर उसका इंजॉय कर रहा है, उसको महत्व दे रहा है, तो वो जो उन लोगों की शुभकामनाएँ मिलती हैं उससे ज़्यादा सुकून मिलता है। अभिषेक जी, जो लोग इस लाइन में तबला लाइन में आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि जैसे हम खुद को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं शास्त्रीय संगीत करने के लिए, और प्रभु की कृपा है, गुरु की, कि हम इसमें आए, क्योंकि ये तो नाद की उपासना है, और शास्त्रीय संगीत को अगर आप अंतरात्मा से कर रहे हैं तो आप पूजा ही कर रहे हैं। हम अपने संगीत को कोई प्रोफेशन, कोई ऐसा नहीं समझते कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम पूजा की तरह दृष्टि से उसको देखते हैं, एक हमारी आराधना है। तो आप इससे अगर जुड़ने का आपको सौभाग्य मिल रहा है तो इसको प्रभु की इच्छा समझ के इसमें और रमिए, और इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना इंटरेस्ट इसके प्रति, और अपनी उदारता, अपना सम्मान, वैल्यूज़ दिखाइए, और आपको ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जो दुनिया के किसी और काम में नहीं मिल सकता। अंतरात्मा को सुखी करेगा, इज्जत दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, शोहरत दिलाएगा, और आपको एक अच्छा मनुष्य बना के रखेगा शास्त्रीय संगीत। तो प्लीज़ इसको आप और जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और अच्छे गुरु से सीखिए, अच्छे गुरु के पास, जैसे अभी पंडित हरीश तिवारी जी ने बताया कि उन्होंने किस तरीके से उनका सफ़र रहा, और पंडित भीमसेन जोशी जी तक वो कैसे पहुँचे, और फिर उनके पास रह के कैसे उन्होंने सीखा, और वो तो गुरु के पास जाइए और उनकी डांट सुनिए, उनसे सीखिए, और वो आपको बहुत जीवन में आगे लेके जाएगा। अल्लाह सवाल, अगर बात करें आज लुधियाना के अंदर जो स्पीक मैके का इवेंट हो रहा है 2 दिन का, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है लुधियाना आकर स्पीक मैके में, अगर क्या कहेंगे बच्चों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जब इस कन्वेंशन की प्लानिंग हुई DPS लुधियाना में स्पीक मैके की तरफ से, तो उस समय तो हमें पहले ही लग रहा था कि अरे ये तो बड़ा अच्छा ये है उसमें, लेकिन जब हम यहाँ शिरकत किए और एक प्रोग्राम सुबह बजाए और फिर वर्कशॉप, बच्चों का एंथुजियाज्म देख रहे हैं, जो यहाँ पूरी टीम लगी हुई है उनका श्रम देख रहे हैं, परिश्रम देख रहे हैं, उनका डेडिकेशन, इतनी खुशी हुई कि मोर देन एक्सपेक्टेड। ऑलरेडी स्पीक मैके इतना अच्छा काम कर रहा है, स्पीक मैके का मोटो है जन जन तक संगीत, और मतलब लोगों तक संगीत और संस्कृति को लेके जाना, जहाँ पे नहीं, जिनके लिए उपलब्ध है संस्कृति और संगीत का परिचय हर जगह, उन तक पहुँचाना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहली बार वर्कशॉप में आ जाए, पहली बार वो बोले कि सर हम तबले को हाथ लगा रहे हैं, पहली बार हम गले से सा का सुर लगा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत साधुवाद है स्पीक मैके को, DPS लुधियाना को, और हमारी बहुत शुभकामनाएं, और एक गुजारिश है कि ऐसे चीज़ों को करते रहें ताकि और लोग हमारे संगीत, हमारे संस्कृति से जुड़ते रहें। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी वर्कशॉप लिया मैंने, और अभी परफॉर्मिंग तो बाकी है मेरा, भी परफॉर्मिंग होगा भी, तो वहाँ पता चलेगा कैसे सुनने वाले लोग हैं। लेकिन बच्चों का देखा मैंने कि मैं ये पूछना था कि जो बच्चे इस लाइन में आना चाहते हैं गायकी के, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ना, उनको मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि ये हमारा भारतीय संगीत जो है, ये हमारी धरोहर है, इसको आगे ले जाना। अभी जैसा चाहिए इसका प्रचार प्रसार होना, वो हो नहीं रहा है, और स्पीक मैके इसमें काफ़ी
मददगार है, क्योंकि बच्चों को स्कूल में ये शिक्षा देना, ये सात सितार है, तानपुरा है, तबला है, नहीं तो कई कन्फ्यूज हो जाते हैं, सितार क्या है, तानपुरा क्या है, तबला ढोलक में फ़र्क नहीं आता उनको। तो ये है, अभी बच्चे बैठे, मैं 3 घंटे वर्कशॉप लिया हूँ लगभग, उसमें हमने देखा कि बच्चे एकदम चैन से बैठे हैं, वो मैं ही उठा, नहीं तो अगर बैठा था तो बैठे रहते वो, और बड़े जल्दी, बड़ा कैचिंग पावर उनका बड़ा जल्दी है, तुरंत मैं राग यमन सिखाया और उसमें हमने देखा कि करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं वो, और वो कम मेहनत में उनके लिए जाए, हम लोगों को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अभी तो काफ़ी सब व्यवस्था हो गई है कि मीडिया के कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिल जाता है। क्या सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, हमारा अपना तो कुछ नहीं है, याद पिया किया ने याद पिया किया है तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का है, तो वो वैसे तो सभी गाते हैं आजकल, तो एक मैं हमारे गुरुजी ने गाया है बसंत बहार में, एक बंदिश गाई है, ये बसंत ऋतु भी है, तो केत की गुलाब जो ही चंपक मन फूले, वो मन्ना डे के साथ जुगलबंदी हुआ उसमें, सुने केत की गुलाब जूही, केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋत बसंत अपनो कंत गोरी गरबा लगाए, झूलनाओ में बैठ आज पी के संग झूले, केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, गल गल कुंज कुंज गल 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 कुंज कुंज गुण गुण भंवरों की गुंज, राग रंग 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 छेड़त रसियाजन, राग रंग 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 छेड़त रसियाजन, कोयल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले भूले भूले, केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले। राग बसंत बहार में है, और इस मौसम में बसंत ऋतु में बसंत और बहार दोनों गाते हैं, तो इसलिए मैंने इस बंदिश को सुनाया। सो दोस्तों, ये खास मुलाकात हरीश तिवारी जी ने और नाल ही अभिषेक मिश्रा जी ने, जिन्होंने अपने दिलों की गंदा तुहाडे नाल कीतियां सांझियां। सो लुधियाना दे पेज लाइक करो, सबसक्राइब करो, प्रोग्राम वधिया लगे सो प्लीज़ शेयर जरूर करो। सो कैमरा परसन हरजीत दे नाल हरदीप दुआ नूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।